नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंकर न्यूज में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। मंगलवार को भी इस पर सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने पहले ही सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की मांग को ठुकरा दिया। अब इस विवाद के बीच बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि ज्ञानवापी ही नहीं देश की सभी मस्जिदों का सर्वे कराना जाना चाहिए, ताकि हिंदू समाज को पता चल सके कि उनके कौन कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला 1991 में अदालत पहुंचा था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वह जमीन हिंदुओं को वापस दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज सुबह से ही उसमें हलचल मची हुई है। इसका कारण है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रोह का सर्वे हो रहा है। ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। सर्वे के दौरान किसी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए यहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल 18 अगस्त 2021 को वाराणसी के 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की मांग को लेकर सिविल जज को एक याचिका दायर की थी। इस पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट 10 मई तक मांगी गई। इसी दिन इस मामले में सुनवाई भी होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और वहीं स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। ये विवाद 1991 से अदालत में है। अब इसी विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही होते जा रहा है। हालांकि इसमें कई सारे पेच अभी भी जुड़ने बाकी है। अयोध्या के मामले में मस्जिद अकेले थी और मंदिर नहीं बना था, लेकिन इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद को हटाया जाए और वो जमीन उन्हें वापस दी जाए, क्योंकि उनके मुताबिक वहां मस्जिद को तोड़कर मंदिर ही बननी चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कितना दूर जाता है और इससे कितना कम्युनल हेट्रेड भारत में फैलाया जाता है। जानने के लिए बने रहिए पंकर न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद जय भारत।